हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7। वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 4.1 सिंपल इक्वेशन जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 4.1 के कई क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज क्वेश्चन 4 हम डिस्कस करते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास जो स्टेटमेंट्स गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। देखिए, फर्स्ट द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4 इज 9। इसको आपको इक्वेशन बनानी है, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। इट मीन द प्लस ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर का प्लस, एक्स एंड 4 का। तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, देखिए इसका फर्स्ट का सोल्यूशन एक्स एंड 4 का सम करेंगे एक्स प्लस 4। सो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, 9 आना चाहिए। मीन्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, तो देखिए आगे वापस समझिए। द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4, एक्स एंड 4 का सम किया प्लस, सम का मतलब प्लस। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 9 आंसर। उसको इक्वेशन में चेंज कर दिया हमने, वर्ड्स प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहे हैं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज 8। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 5 में से। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8। इट मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट करना 5 से, तो 5 माइनस 2। 2 सब्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, फ्रॉम 5 से, और रिजल्ट क्या आ रहा है, 8। ठीक है, तो आपको पता है फ्रॉम वाले में सॉल्व में जब माइनस करते हैं तो फ्रॉम के बाद क्या है, 5। तो 5 में से अभी क्या माइनस करना है, 2, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट 10 टाइम्स ए, ए का कितना, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का सीधा सा मतलब होता है मल्टीप्लाई। इट मीन्स ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारे पास, 7। तो टाइम्स का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ऑलवेज रिमेंबर 10 मल्टीप्लाई ए। तो रिजल्ट हमारे पास 7 भी आना चाहिए। 10 टाइम्स ऑफ ए इसके इक्वल 7। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 10 ए इक्वल टू 7, क्योंकि 10 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 10 ए इज इक्वल टू 7। तो बाकी के पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, उसको आप इजीली इक्वेशन में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।